get on together. हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूँ सिमरन। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। रेस में सबसे आगे रेस 3। फिल्म रेस 3 ने रिलीज के पहले ही कुछ रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिए हैं। फिल्म के सैटेलाइट राइट सबसे महंगे बिके हैं। फिल्म के सैटेलाइट राइट्स के करीब 150 करोड़ में बिकने की डील हुई है। इससे पहले फिल्म दंगल के सैटेलाइट राइट्स 75 करोड़ में बिके थे। रेस 3 के साथ नवरात्रि का टीजर। फिल्म रेस 3 ईद के मौके पर रिलीज होने जा रही है। रिलीज के दौरान फिल्म नवरात्रि का टीजर भी रिलीज किया जाएगा। नवरात्रि के साथ आयुष शर्मा और वारीना हुसैन बॉलीवुड में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। सोनम ने कहा घर में चलती मम्मी की है। सोनम का कहना है हमारे घर मम्मी की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता। मम्मी हमारी डाइट का पूरा ध्यान रखती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मम्मी फोन करे और हम पिक ना करें। मौनी रॉय की हैट्रिक। मौनी रॉय के सितारे बुलंदियों पर हैं। उन्हें तीसरी बॉलीवुड फिल्म मिलने की खबर है। वो जॉन अब्राहम के साथ फिल्म रॉ रोमियो अकबर वॉल्टर में नजर आएंगी। परमाणु की सफलता के बाद जॉन जल्द ही नई फिल्म रॉ की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। कुंभ मेले में होगा फिल्मों का इतिहास। कुंभ मेले में इस बार भारतीय सिनेमा का 106 साल का इतिहास भी बताया जाएगा। कुंभ मेले में हिंदी सिनेमा के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों का और मराठी सहित अन्य रीजनल सिनेमा का इतिहास की भी झलक लोगों को देखने को मिलेगी। चुंबक से चिपके अक्षय। अक्षय ने अभी हाल ही में मराठी फिल्म चुंबक देखी। इस फिल्म का निर्देशन संदीप मोदी ने किया है और गीतकार स्वानंद किरकिरे इसमें लीड रोल में है। इस फिल्म ने अक्षय को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इसे प्रेजेंट करने का निर्णय ले लिया। कबड्डी खेलेंगी कंगना रनौत। कंगना ने अपनी अगली फिल्म भी साइन कर ली है। इस फिल्म में कंगना एक कबड्डी प्लेयर की भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी करेंगे। इस फिल्म में कंगना एक कबड्डी प्लेयर का रोल अदा करेंगी। आपसे प्यार हो गया कंप्लीट। आपसे प्यार हो गया नाम के गाने पर म्यूजिक वीडियो की शूटिंग संपन्न हुई। अनुराधा पोटवार और जसवंत सिंह की आवाज में एक रोमांटिक गाने पर इस म्यूजिक वीडियो का फिल्मांकन किया गया। प्रभु देवा की फिल्म की शूटिंग शुरू। प्रभु देवा ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है जिसमें वो पहली बार पुलिस की वर्दी में नजर आएंगे। प्रभु देवा ने ट्वीट कर कहा खाकी में प्रभु देवा, आज शूटिंग शुरू, इसके लिए एक्साइटेड हूँ। मुंबई में हुआ ह्यूमन अचीवर्स अवार्ड। AR फाउंडेशन ने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर उषा मिश्रा को मनोरंजन उद्योग में मीडिया और PR के क्षेत्र में उनकी कड़ी मेहनत के लिए ह्यूमन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया। नेता करेंगे रामलीला। लौकुश रामलीला के प्रेसिडेंट अशोक अग्रवाल के मुताबिक पिछले साल लीला मंच पर केंद्रीय मंत्री, सांसदों ने अलग अलग किरदार निभाए। वहीं इस बार दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता शिव के पिता ऋषि अत्री का किरदार निभा रहे हैं। अब मंत्रों से आएगा जोश। आशिम खेतरपाल ने कहा मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, उसके सुनने भर से हमें नई शक्ति और जोश मिलता है। इससे लोगों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। सुरक्षा सलाहकार परेश रावल। परेश रावल फिल्म उरी में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के रोल में नजर आएंगे। उनका ये लुक आदित्य धर के डायरेक्शन में बन रही फिल्म उरी का है। इस फिल्म में विकी कौशल और यामी गौतम लीड रोल में हैं। खुशी कपूर ने कराया फोटोशूट। श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर ने हाल ही में एक फोटोशूट करवाया जिस वजह से खुशी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। एक तस्वीर में वो ब्लैक कलर की ड्रेस और जैकेट पहने नजर आ रही है जिसे क्रिश्चियन डायर ने डिजाइन किया है। बॉलीवुड में डेब्यू कर रही है लिजाया। लिजाया मलिक कहती हैं, ऑडियंस ने हमेशा मुझे ग्लैमरस भूमिकाओं में देखा है। टोरबाज में मेरी भूमिका के लिए मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी मेकअप का उपयोग करें। घोड़े पर फिल्म बनाएंगे श्रेयस तलपड़े। श्रेयस तलपड़े रोचेस्टर नामक अपने पसंदीदा घोड़े की मौत के बारे में सुनकर काफी दुखी हैं। श्रेयस रोचेस्टर और उसके ट्रेनर शिराज सुंदर जी पर एक फिल्म बनाने की योजना बना चुके थे। श्रेयस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। लव के लिए कुछ भी करेगी आम्रपाली। आम्रपाली दुबे के फेमस प्रमोशनल सॉन्ग को SRK म्यूजिक ने रिलीज कर दिया। निर्माता सतीश दुबे व निर्देशक धीरज ठाकुर की लव के लिए कुछ भी करेगा के इस सॉन्ग में राजू सिंह माही आम्रपाली दुबे के साथ थिरकते दिख रहे हैं। शॉपिंग करती दिखी सारा अली खान। सैफ अली खान की बेटी सारा हाल ही में अपनी माँ अमृता के साथ हैदराबाद के चार मीनार की गलियों में शॉपिंग करती नजर आई। इस दौरान सारा पिंक कलर का सूट पहने काफी खूबसूरत लग रही है। वहीं उनकी माँ ग्रीन कलर का कुर्ता पहने नजर आई। लॉन्च हुआ इंट्रोवर्ट सॉन्ग।
सिंगर यश वडाली के डेब्यू सॉन्ग इंट्रोवर्ट को जी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। लॉन्च इवेंट पे राहुल रॉय, नीरज श्रीधर, रोमन सेन जैसे सितारे नजर आए। गाने के बोल रमन जंगवाल ने लिखे हैं। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय। देखते रहिए मायापुरी कर।